खांसी से है परेशान तो आजमाइए घरेलू नुस्खे, मिलेगा आराम। वैसे तो खांसी होना आम बात है, लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक रहे तो इससे काफ़ी तकलीफ होती है। वहीं बदलते मौसम और बरसात में सूखी खांसी और जुकाम को ज़्यादा ही परेशान करते हैं। सूखी खांसी शरीर को कमज़ोर कर देती है, वहीं बार बार खांसने से जहाँ तकलीफ होती है, वहीं अन्य लोगों का ध्यान बार बार आपकी तरफ आता है। कोरोना महामारी के दौर में तो खांसी होने से संक्रमण का भी भय सताने लगता है। वैसे तो खांसी कुछ समय बाद मामूली उपचार या ऐसे ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक परेशान करती है। अगर आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी खांसी से परेशान हैं तो पीपल की गांठ को पीस लें और फिर इसमें एक चम्मच शहद मिला लें और इसका नियमित सेवन करें। इससे सूखी खांसी ठीक हो जाएगी और आप राहत महसूस करेंगे। अगर आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं तो शहद आपके लिए उपयोगी हो सकता है। शहद कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण खांसी आदि दिक्कतें दूर करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा गले में खराश खत्म करने में भी शहद मददगार हो सकता है। इसके लिए हर्बल चाय या नींबू पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिए, आराम मिलेगा। नमक का पानी। नमक के गुनगुने पानी से गरारे करने से भी खांसी की समस्या में राहत मिलती है और गले को आराम मिलता है। इसके अलावा नमक के पानी से गरारे करने पर फेफड़ों में जमा बलगम भी कम होता है। इसके लिए 1 कप गुनगुने पानी में 1/4 नमक मिलाएं और इसे दिन में कई बार गरारे करें। अदरक कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है, इससे खांसी में भी आराम मिलता है। काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से खांसी में राहत मिलती है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। नीलगिरी का तेल। खांसी में राहत के लिए नारियल तेल के तेल में नीलगिरी तेल की कुछ बूंदें मिलाकर इसे छाती की मालिश करें। वहीं गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की बूंदें मिलाकर भाप भी ले सकते हैं। इससे छाती हल्की होगी और सांस लेने में आसानी होगी। पिपरमिंट ये गले के जलन और दर्द से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है। इसके लिए दिन में 2 से 3 बार पिपरमिंट की चाय पिएं। पिपरमिंट की चाय पीने से खांसी की समस्या में आराम मिलेगा।